चुनाव से बड़ी खबर आपको बता दें कि आज शाम से थम जाएगा चुनावी प्रचार का शोर। तो दूसरे चरण के प्रचार पर आज शाम ब्रेक लग जाएगा। यूपी की 8 सीटों पर मैदान में 91 प्रत्याशी और 26 अप्रैल को इन 91 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो 26 अप्रैल को यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गज ताकत झोंकते नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें कि आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर। अलीगढ़ से धीरेन्द्र, मेरठ से अभिषेक और अमित हमारे साथ नोएडा से लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं और धरातल पर किस तरह से चुनावी शोर को लेकर सुगबुगाहट है और आज चुनावी शोर थम जाएगा किस तरह की तैयारी है समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम धीरेन्द्र का यहां पर रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र, अलीगढ़ की अगर बात करें तो क्या तस्वीर वहां पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आज थम जाएगा दूसरे चरण के लिए चुनावी शोर? हाँ निश्चित ही, देखिए कह सकते हैं, देखिए मात्र अब 7 घंटे बचे हैं जो है सभी प्रत्याशियों के पास, जो पूरी ताकत अपना झोंक देंगे। कह सकते हैं देखिए आज अलीगढ़ के जट्टारी में जैन चौधरी के द्वारा देखिए भाजपा प्रत्याशी जो सतीश कुमार गौतम हैं जो है मतलब उनके लिए आज देखिए उनके द्वारा जो मतलब जो टाइम करीब 1 बजे का बताया गया वो आज पहुंचेंगे, वहां जो है उनके द्वारा एक जनसभा की जाएगी। वहीं देखिए बीएसपी प्रत्याशी हितेंद्र कुमार उपाध्याय उर्फ बंटी के द्वारा आज रोड शो करने की बात की जा रही है। तो कह सकते हैं कि मात्र प्रत्याशियों के पास मात्र 7 घंटे का अभी समय बच रहा है और 7 घंटे बाद फिर कहीं कहीं जो है प्रचार पूरी तरह थम जाएगा और लोग फिर जो है कहीं जो है लोगों के घरों तक पैदल जो है वो जो चुनाव प्रचार करने के लिए केवल जा सकते हैं। लेकिन हम जो है अगर यहाँ बात की समीकरण की तो देखिए अलीगढ़ में देखिए त्रिकोणीय समीकरण पूरी तरह से बन रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है कहीं ना कहीं देखिए सतीश कुमार गौतम पर तीसरी बार देखिए दाव लगाया है। तो वही देखिए कह सकते हैं कि बीएसपी के द्वारा यहाँ पे नोएडा का भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी धरातल पर जमीन पर नेताएं वो लगातार चुनाव प्रचार के लिए गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग इलाकों में गई और सभी लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों के एजेंडे, मैनिफेस्टो और जीतने के बाद किस तरीके से देश के लिए या लोकसभा सीट के लिए क्या क्या करेंगे वो तमाम दावे यहां पर किए गए और चुनाव प्रचार काफी तेजी से अभी भी चल रहा है। आज अभी 7 घंटे के आसपास का वक्त जरूर बचा हुआ है चुनाव प्रचार को लेकर, लेकिन तमाम राजनीतिक दल और उम्मीदवार अब ऐसे इलाकों में आज पहुंच रहे हैं जहां इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नहीं पहुंच पाए हैं। उन तमाम वोटर्स को साधने की इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहले चरण की 8 सीटें और दूसरे चरण की 8 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है। जिसकी तरफ की हवा होगी, जिसकी तरफ का रुख होगा, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट यहां से मिलेंगी कहा जाता है, उसी तरीके से आने वाले दिनों में जो अन्य लोकसभा पर चुनाव होगा उन जगहों पर भी इसी तरीके की तस्वीर बनेगी। पहले चरण में मतदान हमने देखा था काफी कम मतदान हुआ था, ऐसे में अब तमाम अधिकारियों ने और ज्यादा एडी जोटे का जोर लगाया ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके, तमाम लोगों को जागरूक करने का काम अधिकारियों की तरफ से किया गया। दूसरी तरफ तमाम पार्टी के नेता भी इस बात को कहते हुए मंच से नजर आए थे कि सभी लोग निकलें और अपना वोट करें, देश की प्रगति के लिए वोट करें। फिलहाल देखना होगा पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण में जो मतदाता है उनका चलती है अमित, वो पूर्वांचल तक पहुंचते और यही वजह है कि इन सीटों पर लगातार दिग्गज उतरते हुए नजर आए, चुनावी प्रचार करते नजर आए और अपने अपने तरीके से दमखम यहां पर खाते नजर आए। मेरठ में क्या कुछ हलचल है चुनावी शोर को लेकर, अभिषेक जरा बताइएगा। देखिए सारा चुनावी शोर कल समाप्त हो चुका, पूरी ताकत भाजपा से लेकर और जितने विपक्षी दल थे उन्होंने ठोक दी। कल योगी आदित्यनाथ का रोड शो था जो शाम 4:30 बजे शारदा रोड से निकला, अपार भीड़ थी उसमें। एक तरीके से अरुण गोविल जो राम का चेहरा है और बीजेपी के लिए वीआईपी सीट है उस पर पूरी जान योगी आदित्यनाथ ने ठोकी। 28 दिन में 5वीं बार मुख्यमंत्री खुद मेरठ की सड़कों पर थे और उन्होंने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की है कि एक जो टेम्पो है वो बना दिया जाए। कल से पहले बीजेपी का जरा चुनाव थोड़ा सा ढीला दिखाई दे रहा था अरुण गोविल की तरफ से, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो एक बड़ा चेहरा है उन्होंने पूरे उस चुनाव में एक जान सी भर दी है। कल का रोड शो और जिस तरीके से भीड़ थी बाजारों में, छतों से उन पर पुष्प वर्षा हुई है, वो ऐतिहासिक थी। उससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती भी मेरठ में थी, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और सपा सुप्रीमो
अखिलेश यादव को भी सिवाल खास में आना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से उनका चौपर लैंड नहीं कर सका, इसलिए मोबाइल पर उन्होंने भाषण दिया। कुल मिलाकर कल का दिन बड़ा हेक्टिक था और कल का दिन बिल्कुल अभिषेक जो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है, चाहे वो बीजेपी का प्रत्याशी हो या फिर समाजवादी पार्टी का या फिर बीएसपी का, इस त्रिकोणीय मुकाबले को किस तरह से देखें, कौन किसको कितनी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहा है? देखिए तीनों में मुकाबला है। बहुजन समाज पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत देवव्रत त्यागी को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी ने दलित समुदाय की सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। उसके पीछे तर्क यह है समाजवादी पार्टी का कि 6 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता और 3.5-4 लाख दलित मतदाता, ये अगर कॉम्बिनेशन बैठता है, अब सवाल यह है कि दलित बहुजन समाज पार्टी के पास जाएंगे या दलित कैंडिडेट जो योगेश वर्मा है जाटव समुदाय से उनकी पत्नी के पास जाएंगे, दिलचस्प बनाता है। इसी तरीके से ओबीसी और जनरल कास्ट को लेकर बीजेपी आश्वस्त है कि वो 20 लाख का ये पोलिंग है यहाँ पर, 10 लाख वो अपनी वोट पेटेंट मान के चल रहे हैं। ऐसे में मुकाबला बहुत कड़ा है और मजेदार बात यह है कि अब आरएसएस ने बीजेपी की तरफ से इस चुनाव की कमान संभाल ली है। जैसे पहले राउंड में चुनाव प्रतिशत हर जिले में कम रहा था, लोकसभा सीट पे कम रहा था, अब आरएसएस ने अपने समय सेवकों को हर बिल्कुल अभिषेक और नोएडा में भी क्या समीकरण उभर कर सामने आ रहा है, कितना कड़ा मुकाबला है, जरा अमित आप भी बताइएगा, क्योंकि एक वर्ग में नाराजगी देखी जा रही है वो भी काफी सुर्खियां बटोर रही है। ऐसे में अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में क्या कुछ मुकाबला दिलचस्प होते हुए? बिल्कुल देखिए, नोएडा की अगर बात की जाए तो एक वर्ग की जो आप बात कर रहे हैं, ठाकुर समुदाय पिछले काफी दिनों से लगातार पंचायतें कर रहे हैं और बीजेपी को वोट नहीं देने की साफ तौर पर अपील कई पंचायतों में की गई और उन्हीं को साधने के लिए राजनाथ सिंह कल बिसाड़ा में पहुंचे थे। बिसाड़ा वो जगह है जो काफी फेमस हुई थी अखलाक हत्याकांड को लेकर और बिसाड़ा के आसपास 84 गांव ठाकुर समाज के आते हैं, यानी ठाकुर समाज को साधने के लिए खुद राजनाथ सिंह मैदान में उतरे और बड़ी जनसभा को कल संबोधित किया। हालांकि ठाकुर समाज को साध पाए या नहीं पाए वो तो रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन अभी भी उस वर्ग की काफी नाराजगी है। पहले चरण के मतदान की बात कर लें या दूसरे चरण की मतदान की बात कर लें तो एक बड़ी चुनौती के तौर पर ठाकुर समाज इस बार बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ है। अब कितना उनको मना पाएंगे, कितना साथ पाएंगे, हालांकि तमाम नेता जो बीजेपी के ठाकुर समाज के हैं वो इनके बीच में जाकर समझाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उन्होंने भी पहले चरण के मतदान जिस इलाके में हुए थे लगातार वहां पर जनसभा की थी और सभी लोगों से इस बात की अपील की थी कि अपना वोट करें, निकल कर करें। अब ये चुनौती जो है ये कितनी गंभीर बीजेपी के लिए शामिल होती है, या अन्य दलों की अगर बात करें तो बीएसपी ने दाव खेलते हुए जिस तरीके से बीजेपी से नाराजगी थी, बिल्कुल अभी आने वाला चुनाव और आने वाला रिजल्ट ही तय कर पाएगा कि यहाँ से कौन मजबूत है कौन वीक है। अलीगढ़ का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, धीरेन्द्र आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि अलीगढ़ भी बेहद दिलचस्प सीट यहाँ पर होते हुए दोबारा बीजेपी कहीं ना कहीं जीत का परचम लहराने की कोशिश में है, तो यहाँ की अगर बात करें तो किसका पलड़ा भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है? हालांकि पीएम की बात करें तो उन्होंने कहा था कि चाबी अभी तक नहीं मिल पाई है दो लड़कों को। निश्चित जी देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि देखिए अलीगढ़ में देखिए एक तरह से त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ देखिए हो गया है, क्योंकि जिस तरह से देखिए ब्राह्मणों की जो नाराजगी यहाँ देखिए देखी गई है, सतीश गौतम जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके प्रति जो लगातार यहाँ देखिए 2-3 स्थानों पर यहाँ देखिए ब्राह्मण सम्मेलन हुआ और ब्राह्मण सम्मेलन ने में देखिए तय हुआ कि वो कहीं ना कहीं जो है बीएसपी प्रत्याशी का जो है साथ देने की बात कर रहे थे। वहीं देखिए क्षत्रिय समाज के यहाँ देखिए कई सम्मेलन हुए तो उनके द्वारा देखिए कहीं ना कहीं कहा गया कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी के जो जो यहाँ प्रत्याशी है उनसे कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी साफ देखी गई और यही कारण था कि यहाँ प्रधानमंत्री की रैली जो हुई वो अगर हम बात करें तो 2014 2019 की रैलियों की अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की तो उन रैलियों से जो है कहीं ना कहीं वो जो है इस बार की भीड़ थोड़ी कम रही इसको लेके। और देखिए जो अगर बात करें यहाँ देखिए बीएसपी ने सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला अपनाया।